ये बात है करीबन 1999 की। कैलाश पर्वत के रहस्य को सुनने के बाद न जाने कितने ही वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और किसी न किसी वजह से इस पर्वत पर चढ़ने में नाकामयाब रहे। यहाँ तक इस पर चढ़ने वाले कई अनुभवी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इन सभी रहस्यों को सुनने के बाद एक डॉक्टर ने इस पर्वत के रहस्यों को जानने का निश्चय किया और वो अपनी एक टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने के लिए और इसके रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके बाद उस डॉक्टर के साथ जो हुआ और उसने जो बातें पूरी दुनिया को कैलाश के बारे में बताई, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने ऐसी ऐसी बातें कैलाश के बारे में कही जिसे पहले ना कभी किसी ने सुना और ना ही कभी देखा था। 1999 की इस घटना ने कैलाश के कई रहस्यों को उजागर किया और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक बार फिर से इस पर्वत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन है वो डॉक्टर? आखिर उसने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा? उसने पूरी दुनिया को इस पर्वत के बारे में क्या बताया? इन सारे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला की समुद्री सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र पर्वत मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव का वास इसी पर्वत पर है, यहीं पर उन्होंने अपनी समाधि लगाई थी। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डैम चौक कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं, वो कैलाश पर ही निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। आज तक कोई भी आम मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरीके से अभी बंद है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले कई पर्वतारोहियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। अक्सर ये बातें भी सुनने को मिलती है कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और बहुत ही रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। इन तमाम रहस्यों को सुनने के बाद एक डॉक्टर ने इस पर्वत के रहस्य को सुलझाने का मन बनाया। ये डॉक्टर मुख्य रूप से आँखों के डॉक्टर थे और उनका नाम है डॉक्टर एर्नस्ट मोल्डसिफ। उन्होंने ये तय किया कि वे कैलाश पर्वत के रहस्य को खोलने के लिए उस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूवैज्ञानिक व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचे और इस पर्वत के बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए आसपास रहने वाले लामाओं से बातें की। उन लामाओं ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक आम इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस पर्वत पर कुछ ऐसी शक्तियों का वास है जिसे एक आम इंसान के लिए देखना और उसे समझना मुमकिन नहीं है। यहाँ आम इंसान से मतलब है कि जो इंसान भोग विलास, मोह माया और बंधनों में बंधा हो। डॉक्टर के इस दल ने इस पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। बाद में मोल्डसिफ ने अपनी एक किताब लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इसमें उन्होंने कैलाश यात्रा की काफ़ी चर्चा की है। आप चाहे तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस पर्वत के नीचे कई महीने बिताने के बाद उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अनेकों छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा है। इसके तार गीजा व मैक्सिको के पिरामिडों से जुड़े हैं। इस डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत के मामले में एक साइबेरियाई पर्वतारोही से मुलाकात की। उस पर्वतारोही ने बताया कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचे, उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। खोजबीन करने के बाद एर्नेस्ट मोल्डसिफ की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि ये पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा है और ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है।
वहां से लौटने के बाद मुल्तसिफ ने लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज़ सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थर के गिरने की आवाज़ सुनी थी। ये आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हो। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक को ये विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में शंबाला नाम का एक रहस्यमय राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस शंबाला राज्य को कपापा के नाम से पुकारते हैं, जहां सिर्फ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बती ग्रंथ में लिखा है कि शंबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करना बहुत मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता के साथ कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा है, और जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिडों और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक योजनाबद्ध नक्शा बनाया तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि वो नक्शा जैसे डीएनए के अणु की स्थानिक संरचना का नक्शा था। दोस्तों, शंबाला कहे या ज्ञानगंज कहे या फिर सिद्धाश्रम कहे, ये सभी कुल मिलाकर एक ही है। कई किताबों और ज्ञानगंज से वापस आने वाले साधुओं और योगियों ने कहा है कि इसका स्थान करीब करीब नेपाल और तिब्बत के आसपास का है। ये सिद्धाश्रम एक मकड़ी की जाल की तरह होती है जो कभी फैलती है और कभी सिकुड़ती है। इसके अंदर लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में ये रहस्यमय दुनिया बहुत सक्रिय हो, और इसीलिए यहाँ पर पारलौकिक गतिविधियाँ हमेशा सुनाई देती है और नज़र भी आती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उसकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का हमेशा प्रवाह होता रहता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक आम इंसान कैलाश के रहस्यों को कभी नहीं जान पाएगा। अगर ऐसा इंसान जो योग और ध्यान करता है, जिसके अंदर खुद को जानने की इच्छा है और भोलेनाथ के प्रति प्रेम और आस्था है, सिर्फ वही इसे समझ सकता है और इसकी ऊर्जा को महसूस कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अद्भुत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।